नगर में बगीचा वाली माता पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की होने कथा के लिए सभी समाज की बैठक ली। नगर में बगीचा वाली माता पर बागेश्वर धाम पीठ के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलना है। नगर में मां बगीचा वाली मैया के धाम पर आगामी दिनों में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित धीरेन्द्र कुमार शास्त्री द्वारा श्रवण कराई जाएगी। जानकारी के अनुसार मां बगीचा वाली धाम के पीठाधीश्वर जीतू भगत जी द्वारा बताया गया कि धाम पर कार सेवा हेतु एक अन्य बैठक का आयोजन किया गया। बैठक 19 अक्टूबर 2024 शनिवार को दोपहर 3 बजे मां बगीचा वाली धाम मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई, जिसमें समस्त भक्तगण और नगरवासी मौजूद रहे। देखिए मां बगीचा धाम के पीठाधीश्वर जीतू भगत जी द्वारा कथा कन्या विवाह के संबंध में क्या कहा। संजय गुप्ता की रिपोर्ट। प्रांगण से उठाएंगे, वरिष्ठ गणों का सुझाव था कि अपन मंडी से उठाएंगे, तो लगभग सभी इसमें सहमत हैं, सभी इसमें सहमत हैं, क्योंकि एक एरिया बड़ा चाहिए, जनसंख्या अधिक होने के कारण कलश यात्रा मंडी से। सभी का सुझाव चल रहा है, जिन भी वरिष्ठ गणों ने सुझाव दिया था उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही सुझाव दें जिससे कि अच्छे से अच्छा हो सके, कि ऐसे ही सुझाव दें कि कार्यक्रम अच्छे से अच्छा हो सके और अच्छे से अच्छी व्यवस्था हो सके। तो 1 दिसंबर को कलश यात्रा मंडी प्रांगण से उठाई जाएगी, दिसंबर से कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय महाराज जी ने खुद दिया है, हमने तो कहा था 1 बजे से रख लो, लेकिन वो बोले कि 2:30 बजे से ठीक रहेगा, तो 2:30 बजे से उनने कह दिया हरि इच्छा तक। और 5 दिसंबर को महाराज जी का दिव्य दरबार रहेगा, उसका समय दिया है उन्होंने 11 बजे से 2 बजे तक। 6 दिसंबर को कन्याओं के विवाह रहेंगे, प्रयास करेंगे कि दिन में संपन्न हो, जिससे कि शाम को वो अपने घर पधार सकें। यदि भावर दिन की निकली तो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि महामाई के दरबार से शादी हो और उनके जीवन में कोई अनबन हो या कोई व्याधियां उनके जीवन में आए, तो शुभ लग्न में जो मुहूर्त भावर का होगा, चाहे दिन का हो और चाहे हो रात्रि का, वो भावर शुभ मुहूर्त में कराई जाएगी। तो एक कहा गया था, जो हमने थोड़ा सा सलाह दिया था, तो वो बोले गोधूली, यानी कि शाम की बेला में भावर है 6 तारीख में, थोड़ा उस पर और विशेष कर गौर दिया जाएगा कि अच्छी शुभ बैठे भावर गोधूली बेला में शाम के समय, तो शाम की ही भावर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ कथा पूर्ण होगी और यहाँ जयमाला और भावर होने के बाद सीधा मंच पे आशीर्वाद समारोह करा दिया जाएगा सभी भक्तों के बीच में। तो 6 दिसंबर को विवाह संपन्न होंगे और 8 दिसंबर को कथा समापन होगी, क्योंकि पूर्ण कथा तो ना तो अभी तक किसी ने पूरी की है और ना श्रोता सुनने वाले सुनने के लिए समय निकाल पाए हैं। तो 8 दिसंबर को कथा विराम की जाएगी और 9 दिसंबर को विशाल भंडारा, कलश यात्रा वाले दिन से ही अन्नपूर्णा प्रारंभ हो जाएगी। प्रयास में लगे हुए हैं कि जो भी भक्तगण आए वो खाली पेट घर ना जाएं, ऐसी अन्नपूर्णा की व्यवस्था करने का बिल्कुल प्रयास है। और फिर जैसा सभी भक्तों का साथ और जैसा सभी भक्तों का सहयोग रहेगा, तो 9 दिन बराबर महामाई के धाम पे भंडारा चलने वाला है आयोजन में, क्योंकि पता नहीं कहां कहां से लोग, कितनी दूर से, कैसे कैसे गरीब तबके के लोग आते हैं कथा सुनने, शायद उनकी जेब में 100 रुपए भी ना हो भोजन करने के लिए। इसलिए महामाई के दरबार से लगभग सुबह 9 से 10 बजे के बीच में भंडारा प्रारंभ करवा दिया जाएगा और रात्रि 11 बजे तक भंडारा बराबर चलेगा। प्रयास रहेगा, फिर जैसा भक्तों का सहयोग और आप सभी का साथ मिला तो आगे देखा जाएगा जैसा होगा।
और इससे माई का इतना बड़ा आशीर्वाद है बगीचा वाली माई का, जो यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, अपने जो काम बरसों से नहीं हुए, जो अन्य बाधाएं रहती हैं, विपत्तियां रहती हैं, और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि कई वर्षों से, 2-3 वर्ष मैं भी जाता रहा हूँ बालाजी सरकार, जो वर्षों से संतानें पैदा नहीं हुई, जो हमारी माँ बगीचा वाली माँ का आशीर्वाद मिलता रहा है, भगत जी महाराज उनको मार्गदर्शन देते हैं, जिससे जो कि कभी मनुष्य कभी कर नहीं सकता कि ईश्वर और माई कर सकती है, तो ऐसा यहाँ से आशीर्वाद मिलता है। तो हमारे यहाँ पूरे मध्य प्रदेश से लोग यहाँ पर माई के दरबार में आते हैं और माई उनको आशीर्वाद देती है। जहाँ से इस वक्त गणेश कहरा में माई के आशीर्वाद को सभी को आशा ऐसा लगता रहता है कि कहरा हम जा रहे हो, नाम प्रसिद्ध है इस कहरा में बगीचा वाली माँ। और हमारे यहाँ के भक्त हमेशा 24 घंटे काम मन से तन से और धन से करते रहते हैं। ऐसा आपने देखा है कि बगीचा सरकार में भगवान राम जी की जो बगीचा सरकार हनुमान जी की कृपा थी, एक सूत्र में बांध कर आगे ले जाने वाले पीठाधीश्वर जी महाराज, आपको भी प्रणाम और आपके सभी और माँ के सभी भक्तों को क्षण वंदन करता हूं। करेरा की धरा तो धन्य है ही, सदियों से, सैकड़ों वर्ष से, अभी नहीं, हमारे संतों ने यहां पर इतनी तपस्या की है कि करेरा धार्मिक नगरी है और सदियों से धन्य है। धन्य तो अब हम हैं कि हम जो महाराज बागेश्वर धाम जी के सानिध्य में जो कथा 1 तारीख से 9 तारीख तक जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, हम उस कार्यक्रम के जो साक्षी बनने जा रहे हैं, उस कार्यक्रम को साक्षी मानकर जो हम चित्रण हम करेंगे, हम कथा का श्रवण हम करेंगे, जो रसपान हम करेंगे, जो उसका फल हमको जो मिलेगा, उससे हम करेरा के नगरवासी और करेरा के क्षेत्रवासी धन्य होंगे और अपने आप को धन्य मानना होगा। माई ने अपने भक्तों को वहां भेजा है, वो गए नहीं है, माई ने भेजा है। उस सर्वे में वो चयन हुआ उन लोगों का, उसने देखा कि इसके घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं और ये पूजा करने में लगा है माई की। उसको दया सी आई, घर गया, एक बोरी आटा, दालें, तेल, सभी प्रकार के मसाले आदमी को एक बैलगाड़ी भर के भेजा और जाके कह देना उससे कि यह जमींदार ने भेजा है, मेरी जय बोलना शुरू कर देगा वो, क्योंकि बच्चे भूख से मर रहे हैं। जब वो गए, गेहूं, चावल, आटा, तेल, मसाले, सब सामान पटक के वो कहने लगे, ये जमींदार साहब ने भेजा है, उनकी जय जयकार करूं। तो उस भक्त ने ये कहा कि बा मेरी माई, तो इस शैतान से भी तूने सेवा करवा दी, इस शैतान से तूने सेवा करवा दी। बोलिए बगीचा वाली माई की, बोलिए बगीचा वाली माई की।